बड़ी खबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में बारिश की वजह से करंट फैलने की जानकारी सामने आई और इसके बाद पता लगा कि स्टेशन परिसर में ही करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई है। शनिवार देर रात शुरू हुई बारिश का पानी स्टेशन परिसर के आसपास जमा हो गया, जिसमें करंट फैल गया और जिसकी चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। कई लोगों का दावा है कि वहां खुले हुए पोल और करंट है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अब साक्षी की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा और किसकी लापरवाही से एक महिला को जान गंवानी पड़ी? आखिर उस महिला के दो बच्चे हैं जो अब अनाथ हो चुके हैं और महिला इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन करंट लगने के पीछे कौन जिम्मेदार है ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन इस दुखद घटना ने सभी को झंझकोर कर रख दिया है। आपको बता दें कि शनिवार देर रात शुरू हुई बारिश से पार्किंग परिसर में पानी जमा हो गया था और जैसे ही महिला पार्किंग प्लेस पर पहुंची, वहां करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस तरह की लापरवाही के अक्सर गंभीर परिणाम सामने आते हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है जिम्मेदार, यह पता लगाने में जुटा है रेलवे प्रशासन कि आखिर किसकी लापरवाही से ये दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।